डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सिक्स है और एक्सरसाइज 38। तो इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ और आज हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 11, 12 और इसके आगे करेंगे। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इन ये स्कूल इच स्टूडेंट पेज इतना रुपीज़। एक स्कूल में सभी बच्चे इतना रुपया देते हैं एज लाइब्रेरी फंड, लाइब्रेरी फंड के लिए इतना रुपया देते हैं, एक बच्चा इतना देता है। इफ़ द अमाउंट कलेक्टेड इज़ इतना रुपीज़, अगर टोटल अमाउंट जो है जमा हो जाता है इतना, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, तो फिर उस स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इस नंबर को अगर हम इससे डिवाइड कर देते हैं तो पता चल जाएगा कि कितना बच्चा है उस स्कूल में। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं और सबसे पहले यहाँ दिखाते हैं टोटल कलेक्टेड अमाउंट। तो टोटल कलेक्टेड अमाउंट कितना है, कलेक्टेड अमाउंट, टोटल कलेक्टेड अमाउंट ये हो गया 400 रुपीज़ 406 एंड 2/5। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं, तो 400 × 5 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं 406/5 मल्टीप्लाई और ये हो गया 6×5=30, 0 हो गया, 3 बच गया और यहाँ पे 0 हो गया, तो 3 हो गया ये, और 4×5=20 इतना आ रहा है। इसका मतलब है कि इसमें 2 प्लस हो जाएगा तो 20, 32। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं सीधा होके, ये कितना हो जाएगा 20, 32/5 नीचे वाला, ये इतना रुपीज़ हो गया। अब ईच स्टूडेंट, सभी बच्चे कितना पे कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट, तो ये अमाउंट है ₹3 × 1/5, कितना रुपया दे रहे हैं, इसको सीधा कर लेते हैं, 5×3=15 और 116 हो गया, तो 16/5। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, पता चल जाएगा हमको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू ये अमाउंट जो दिया हुआ है टोटल बाय 5 / 16/5। अब इसको क्या करना होगा, डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते थे, डिवाइड करने के लिए इसको पलट देते थे, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वो सेम रहेगा, इतना बाय इतना हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गया ऊपर और नीचे आ गया 16, तो ये 5 तो कट गया। अब ये 16 से कितना बार में जाएगा, तो इसको काटते हैं हम लोग, सबसे पहले 2 से लेते हैं तो कितना हो गया 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2×1=2, फिर 0 आ गया और 2×1=2, फिर यहाँ पे 1 बच गया, तो 2×6=12, इतना बार में लिया ये। उसके बाद क्या ये 8 से कट रहा है, तो 8 से कट रहा है, कितने बार में कट जाएगा ये, इसको पूरा काट देते हैं पहले, तो 8×1=8 हो गया, उसके बाद यहाँ पे बच गया 2, तो 2 और 1, तो 8×2=16 हो गया, तो 16 निकल गया, तो यहाँ बच गया 5, तो 8×7=56, इतने बार में कट गया, मतलब लास्ट में इतना आया, तो इतना स्टूडेंट हो जाएगा 127 स्टूडेंट्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ क्या कह रहा है, एट ए चैरिटी शोज इन ए स्कूल इच स्टूडेंट बाइज ए टिकट कॉस्टिंग इतना रुपया, मतलब एक चैरिटी शो हो रहा है, कोई प्रोग्राम हो रहा है और उसमें जो है स्टूडेंट को टिकट लेना पड़ता है और एक टिकट की कीमत इतना है। इफ़ द अमाउंट कलेक्टेड इज इतना, अगर टोटल अमाउंट इतना जमा हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, तो कितने टिकट की संख्या, मतलब कितने टिकट बिका। तो यहाँ पे उसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो इसी तरह से इसको भी सोल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं और यहाँ भी टोटल अमाउंट कलेक्टेड अमाउंट, ठीक है, तो टोटल कलेक्टेड अमाउंट कितना हो गया ₹3000 और कॉस्ट ऑफ वन टिकट, कॉस्ट ऑफ वन टिकट, एक टिकट का कितना कीमत कितना हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ है ₹7 × 1/2, ये हो गया। तो नंबर ऑफ टिकट्स, टोटल टिकट का संख्या कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टिकट्स, ये हो गया, तो यहाँ पे इक्वल टू
इसको हम कर लेंगे डिवाइड। तो इसको बराबर कर लेते हैं पहले, क्योंकि ये तो सीधा है, 7 2 14 और 1 15 हो गया, 15/2 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड देंगे, सबसे पहला संख्या जो है सेम रखेंगे उसको, इसको इतना लिखते हैं, इसको नीचे में 1 कर देते हैं, डिवाइड हो गया 15/2। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, इसको करने के लिए इसको सेम रखते हैं 3000 और नीचे में 1 रख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पे ऊपर में 2 नीचे में 15। तो ये 15 से 30 कटेगा, 15 2 30 होता है, इतना कट गया, 2 0 बचा, तो ये 2 0 इस पर रख देते हैं, पूरा कट गया। तो ये कितना हो गया, 200 2 400, मतलब 400 टिकट्स बिका, टिकट्स ये हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 13 क्या कह रहा है, ए बैग कैन होल्ड इतना केजी राइस, मतलब एक बैग में इतना चावल भर सकता है। इफ़ इतना केजी राइस इज टू बी पुट इन बैग्स, मतलब इतना इतना सारा टोटल चावल का वेट जो है इतना है, इतना सारा चावल है, तो कितने सारे बैग्स लगेंगे इसको रखने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ बैग्स नीडेड, कितने बैग की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे इसको डिवाइड देने से पता चल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 और टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ राइस इक्वल टू कितना दिया हुआ है, ये हो गया 1937 1/2 केजी। तो इसको हम कर लेंगे बराबर, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 2 से, तो इसका और फिर 1 ऐड हो जाएगा, तो इसका आ जाएगा 3875/2, ये सीधा हो गया, इतना केजी हो गया। उसके बाद एक बैग की क्षमता कितना है, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ 1 बैग इक्वल टू कितना दिया हुआ, 38 3/4 केजी। तो इसको हम कर लेते हैं सीधा, तो इसको सीधा करने पर हमको मिल जाएगा 155/4। अब जो है नंबर्स ऑफ बैग जितना ज़रूरत है, नंबर ऑफ बैग्स नीडेड, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे 38 75/2 डिवाइड 155/4। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, इसको ये सबसे पहले इसको सेम रखते हैं 38 75/2 इंटू 4/155, इसको उलट देते हैं। अब जो है ये कट गया, इसको काटते हैं तो ये 5 से कटता जाएगा, तो यहाँ पे 5 से काटते हैं, 5 3 15 हो गया, और 5 1 5 ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे 5 5 5 7 35 5 7 35 और यहाँ पे बच गया 3 बच गया, तो 3 और यहाँ पे हो गया 7, तो यहाँ पे 37 हो गया, तो 5 7 35 फिर से जाएगा और 2 बच गया, तो 5 5 25 ये कट गया, इतना बार में गया। उसके बाद इससे हम काटते हैं 31 से, तो ये पूरा कटेगा 25 बार में, ये फाइनली ये 31 से 775 जो है वो 25 बार में कटेगा, 25 बार में कट गया। तो यहाँ क्या बच गया, 25 और यहाँ बच गया 2, तो 25 2 50, तो यहाँ हो गया 50। तो 50 बैग्स की आवश्यकता पड़ेगा, तो 50 बैग्स ये इसका आंसर हो जाएगा।